दोस्तों, अगर आप जसप्रीत बुमराह को बेहतरीन क्रिकेटर मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर टेस्ट सीरीज खेल रही है, जहां पर भारतीय टीम दो मुकाबले खेल चुकी है, तो वहीं तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह ने शानदार रिकॉर्ड हासिल किया है। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें क्या है वो रिकॉर्ड। लेकिन उससे पहले, भारतीय टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बुमराह और उमेश यादव में से कौन है, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के साथ तीसरा और निर्णायक टेस्ट मैच केप टाउन के स्टेडियम में खेला जा रहा है, और इस मैच में दोनों टीमों के कप्तान जब टॉस के लिए आए तो भारतीय टीम के कप्तान ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। तो वहीं विराट कोहली ने टॉस जीतकर अपनी टीम का मनोबल भी बढ़ा दिया और अपनी टीम में हनुमा विहारी की जगह टीम में वापसी करी है, क्योंकि विराट कोहली को टीम में जगह देने के लिए हनुमा विहारी को मजबूर ही बाहर करना पड़ा। तो वहीं मोहम्मद सिराज के चोटिल होने के कारण उनकी जगह उमेश यादव को मौका दिया गया है। तो वहीं भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, और बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो वहीं भारतीय टीम को पहला झटका उपकप्तान के रूप में 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर ओलिवर के हाथों लगा, जिसमें राहुल ने 35 गेंदों पर एक चौके की मदद से 12 रन बनाए। तो वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए चेतेश्वर पुजारा आए और उन्होंने अपना पहला चौका 14वें ओवर की चौथी गेंद पर ओलिवर को चढ़ा, और मयंक अग्रवाल ने 35 गेंदों पर 15 रन 3 चौकों की मदद से बनाए और अपना विकेट रबाड़ा को दे दिया। और बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान विराट कोहली मैदान पर आए और उन्होंने अपना पहला चौका 19वें ओवर की पहली गेंद पर मार्को जॉनसन को चढ़ा। तो वहीं विराट कोहली ने अपना 28वां अर्धशतक भी पूरा किया और उन्होंने 201 गेंदों पर 79 रन 9 चौके और 1 छक्के की मदद से बनाए, और पुजारा के 43 पंत के 27 और शार्दुल ठाकुर के तेज 12 रन की बदौलत भारतीय टीम पहली पारी में 223 रन ही बना पाई और पूरी टीम साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के सामने धराशायी हो गई। और भारतीय टीम को आउट करने में सबसे बड़ा योगदान रबाड़ा का रहा, जिन्होंने 4 विकेट लिए, तो वहीं मार्को जॉनसन ने 3 विकेट लिए और बचे हुए तीनों प्लेयर ओलिवर केशव महाराज और लुंगी को एक एक विकेट मिला। तो वहीं बल्लेबाजी करने आए साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने अब तक 33 ओवर के अंत तक 94 रन पर 3 विकेट गिर गए हैं, जिसमें एल्गर ने 3, मार्करम ने 8 रन बनाकर बुमराह को विकेट दे दिया और महाराज 25 रन बनाकर उमेश यादव के शिकार हो गए और उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया। और तो वहीं बुमराह विदेशी जमीन पर सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, और बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में खेले गए पहले टेस्ट में विदेशी जमीन पर 100 विकेट पूरे किए थे। और बुमराह ने भारत में अब तक सिर्फ 2 टेस्ट खेले हैं और जिनमें 4 विकेट चटकाए हैं। तो वहीं विदेशी जमीन पर बुमराह ने 24 टेस्ट मैच की 47 पारियों में 103 विकेट चटकाए हैं, और ओवरऑल बुमराह के नाम 26 टेस्ट की 50 पारियों में 107 विकेट है। और उमेश यादव ने भी मैच में शानदार वापसी की, उन्होंने 7 ओवर गेंदबाजी करके 4 की इकोनॉमी से लेकर 1 विकेट हासिल किया और वो शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन दे रहे हैं। अगर उमेश यादव इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हैं तो उमेश यादव की जगह पक्की हो जाएगी। और अभी तक 35 ओवर के अंत तक 100 रन साउथ अफ्रीका ने बना दिए हैं, जिसमें महाराज के 40 और वेंडर हुसैन के 11 रन नाबाद हैं। दोस्तों, उमेश यादव और जसप्रीत बुमराह में से कौन सा खिलाड़ी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दो। ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।